नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर, और ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का टॉपिक है। इसको शॉर्ट में बोलते हैं हम CPHC, कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर। कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एड्रेसेस इश्यूज। मतलब इसमें क्या होता है, जो प्राइमरी हेल्थ केयर है उसका भी ये क्या है आगे का, यानी कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत सारी चीज़ों को ये शामिल करता है, जिसमें फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबिंग, जो कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबिंग के जो इश्यूज हैं उनको, इश्यूज ऑफ इक्विटी एंड सोशल जस्टिस, कंसीडर द इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन का क्या प्रभाव पड़ रहा है, हाउसिंग का, फूड का, इनकम का, एक्नॉलेज द वैल्यू ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट की वैल्यू को एक्नॉलेज करना है इसमें, रिकॉग्नाइजेस द एक्सपर्टीज ऑफ इंडिविजुअल ओवर देयर ओन हेल्थ। एक्सपर्टीज क्या है इंडिविजुअल की, उस उनकी खुद की हेल्थ को सही करने में। इसको और इजी तरह से समझते हैं हम, WHO की डेफिनेशन है कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर। क्लियरली आइडेंटिफाई, ये क्या करती है, क्लियरली आइडेंटिफाई करती है दैट द सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ लिस्टेड इम्पैक्ट ग्रेटली ऑन हेल्थ। जो हेल्थ के सोशल डिटर्मिनेंट्स हैं वो क्या हेल्थ पे प्रभाव डालते हैं। इफ वी आर टू रेस्पॉन्ड टू इल हेल्थ, वी नीड टू रेस्पॉन्ड टू द सोशल डिटर्मिनेंट्स एज वेल एज द प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम। तो यदि हम इल हेल्थ के प्रति रेस्पॉन्ड करते हैं तो हमें रेस्पॉन्ड करना पड़ेगा किसके लिए, सोशल डिटर्मिनेंट्स के लिए भी और जो प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम है उसके लिए भी। कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर इज ए होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच। क्या है ये, होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच है टू हेल्थ। हेल्थ के प्रति जो सोसाइटी की पूरी अप्रोच है वो आती है इसमें, दैट एम्स टू एड्रेस द फिजिकल, मेंटल एंड सोशल हेल्थ नीड ऑफ द पीपल थ्रू आउट देयर लिव्स। तो उनकी जिंदगी के पूरे टाइम तक उनकी फिजिकल, मेंटल एंड सोशल हेल्थ नीड जो है उसको एड्रेस करती है ये कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO डिफाइन CPHC एज हैविंग थ्री कंपोनेंट, या कह सकते हैं एलिमेंट भी कह सकते हैं कंपोनेंट को हम। तो इसमें तीन कंपोनेंट क्या है, पहला है मीटिंग हेल्थ नीड्स, जो हेल्थ नीड्स हैं कम्युनिटी की, पर्टिकुलर कम्युनिटी की, उनको प्राप्त करना, प्रोवाइडिंग ए रेंज ऑफ केयर इंक्लूडिंग प्रोमोटिव, प्रोटेक्टिव, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव, रिहैबिलिटेटिव एंड पैलिएटिव केयर। तो इसमें हेल्थ नीड मीट हो गई, जिसमें कि सारी तरह की केयर आ गई, कौन कौन सी, प्रोमोटिव करना है मतलब हेल्थ को प्रोमोट करना, प्रोटेक्टिव मतलब हेल्थ को प्रोटेक्ट करना, प्रिवेंटिव मतलब कि कोई बीमारी नहीं हो पहले ही प्रिवेंटिव तरीका अपनाना, क्यूरेटिव मतलब बीमारी होने के बाद में क्योर करना, रिहैबिलिटेशन मतलब कि उसकी बीमारी सही हो गई है उसके बाद जो परेशानियां हैं उनके लिए रिहैबिलिटेशन करना, और पैलिएटिव केयर मतलब कि एंड ऑफ केयर, मतलब कि कोई भी ऐसा बीमारी हुई है व्यक्ति को जैसे कि कैंसर जो कि उसके लास्ट तक रहेगी, तो उसके लिए पैलिएटिव केयर में क्या है, उसके सिम्टोमेटिक जो रिलीफ होता है वो सारी केयर उसको दी जाती है। तो पहला ये हो गया। दूसरा कंपोनेंट क्या है, एड्रेसिंग ब्रॉडर डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, जो भी हेल्थ के ब्रॉडर डिटर्मिनेंट्स हैं उनको एड्रेस करना, कंसिडरिंग द इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन, हाउसिंग, फूड एंड इनकम, इन सब का क्या प्रभाव पड़ता है हेल्थ पे, प्रभाव पड़ता है। तो एड्रेसिंग ब्रॉडर डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, एजुकेशन, हाउसिंग, फूड एंड इनकम। देन एम्पावरिंग इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स को क्या करना, ताकतवर बनाना, हेल्पिंग पीपल टेक चार्ज ऑफ देयर ओन हेल्थ, मतलब लोगों को अपनी खुद की हेल्थ के बारे में सोचें वो, इस तरह से उनको एम्पावर बनाना, या कह सकते हैं कि वो खुद अपना चार्ज लें, अपनी हेल्थ को संभाल लेगा। CPSC ऑल्सो एम टू एड्रेस इशूज ऑफ इक्विटी एंड सोशल जस्टिस एंड टू रिकोगनाइज द एक्सपर्टीज ऑफ इंडिविजुअल्स ओवर देयर ओन हेल्थ। कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर इज अलाइंड विद द डिक्लेरेशन ऑफ आलमा आटा, रिकॉग्नाइज द एक्सपर्टीज ऑफ इंडिविजुअल एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिटी और इंडिविजुअल एम्पावरमेंट।
अब इसके जो सोशल डिटर्मिनेंट्स हैं, हेल्थ के सोशल डिटर्मिनेंट्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? इनकम एंड सोशल स्टेटस, स्ट्रेस, कंट्रोल ओवर आवर लाइफ, अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट कैसा है व्यक्ति का, एजुकेशन कैसी है, एम्प्लॉयमेंट क्या है उसका, उसकी वर्क कंडीशन कैसी है, सोशल सपोर्ट कैसा है, एडिक्शन तो नहीं है कोई उसको, फिजिकल एनवायरनमेंट कैसा है, एक्सरसाइज एंड ट्रांसपोर्ट, डाइट एंड लाइफ स्टाइल चॉइसेस, तो ये सब क्या आ गए? सोशल डिटर्मिनेंट। देन आते हैं प्रिंसिपल, की प्रिंसिपल ऑफ CPSC। प्रिंसिपल क्या? एक्सेसिबिलिटी, यानी कि जो CPSC की सर्विसेज हैं वो क्या हों? एक्सेसिबल हों। देन इंटरसेक्टोरल हों, यानी कि बहुत सारे जो सेक्टर हैं वो उसमें इन्वॉल्व हों, कॉम्प्रिहेंसिव हों, सस्टेनेबिलिटी हो उसमें, मतलब लगातार वो मिले, ऐसे नहीं कि कभी मिल रहे हैं कभी नहीं मिल रही, कोऑर्डिनेशन हो उनमें आपस में, इक्विटी हो, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हो और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव हो उन सर्विसेज का। कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर में सर्विसेज होती हैं, ये होती हैं OPD सर्विसेज, 24 आवर इमरजेंसी सर्विसेज, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर सर्विसेज, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसीज, मैनेजमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, न्यूट्रिशनल सर्विसेज, स्कूल हेल्थ सर्विसेज, प्रमोशन ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड बेसिक सैनिटेशन, एडोलेसेंट हेल्थ केयर, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ लोकली एंडेमिक डिजीज लाइक मलेरिया, कालाजार एट्सेट्रा, कलेक्शन एंड रिपोर्टिंग ऑफ वाइटल इवेंट्स, हेल्थ एजुकेशन एंड बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन, अदर नेशनल हेल्थ प्रोग्राम ट्रेनिंग होती है, बेसिक लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सर्विसेज एंड मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन। तो आज का हमारा टॉपिक था कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।